क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया फिनोमेना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उस टॉपिक को कंप्लीट करके आज हम एक नया खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन का फिनोमेना ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, वो रट के एग्जाम में जाके लिखाते हैं, पर आज के इस लेक्चर से आपको डिफ्रैक्शन का फील मिल जाएगा। डिफ्रैक्शन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, सब इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन निकालना है और चूहे को मार के खाना बंद करना है। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन को। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम आपको 3-4 ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे, जिससे आपको फील हो जाएगा डिफ्रैक्शन। पहला ऑब्जर्वेशन आएगा अतीत से, हमारे पास्ट से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। जरा ध्यान दें, ऑब्जर्वेशन नंबर वन तो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। कटाक कटाक कटाक, ठीक है। यहाँ पे एक स्लिट S1, यहाँ पे एक स्लिट S2, ये ब्लॉक एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास सामने स्क्रीन मौजूद है। स्क्रीन बहुत दूर होती है, हमने पास में बना दिया है, ठीक है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई और यहाँ से भी रेज ऑफ लाइट आई। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, ठीक है, अपने 9th-10th के भाई बहन को पूछोगे तो वो तो यही बताएंगे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जिंदगी सॉर्टेड है ना उनकी, उन्हें क्या पता जीवन में आगे क्या क्या हो रहा है। If light travels in a straight line, तो मेरे ख्याल से इस light ray को ऐसे जाना चाहिए, इस light ray को ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इस region में बिल्कुल भी light नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो obstacle जैसा दिख रहा है, ये जो part दिख रहा है, यहाँ पे इसकी shadow बन जाएगी। क्या बन जाएगी? यहाँ पे इसकी dark shadow region। ये तो आपकी जिंदगी से एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि आपने सोचा था कि क्लास 12th में आते ही पक्का इस बार तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, बट रियलिटी में हुआ क्या? एग्जाम आ गए, कुछ मिला भी नहीं, टाइम भी बर्बाद। तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर डार्क शेडो बनेगी क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पर लाइट की तो अपनी मर्जी थी। जरा देखो, इसने अपना खेल खेला, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। आप सोच रहे थे लाइट ऐसे सीधे सीधे चलेगी, ना, यहाँ लाइट आई, यहाँ पे बन जाएगी वेवलेट्स। अरे हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा है? हाइजेंस प्रिंसिपल बताया ना उसका प्रोनाउंसिएशन, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये तो वेवलेट्स बनेंगी यहाँ पे, अच्छा, और यहाँ पे सामने स्क्रीन। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ बता दू, यहाँ कोई अनजान चूहा आ गया जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, सबको पता है यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट बनता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट। वो वेव थ्योरी से ही पॉसिबल है कि ये वेव्स निकली, इनका इंटरफेरेंस हुआ। भाई यार, अगर ये वेवलेट है तो जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे चली गई सीधी, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे आ रही सीधी, ये ऐसे चली गई परपेंडिकुलर, ये ऐसे चली गई परपेंडिकुलर। अब जरा देखो, शेडो रीजन में भी लाइट पहुंच गई, जहां आप सोच रहे थे कि इस ऑब्स्टिकल का शेडो, भाई ये जो लाइट रेज आ रही थी, मान लो ये सब भी कहूंगी, आई है सर यहाँ से कैसे आ गई, अरे रे नन्हे मुन्ने बालको, तुमको ये नहीं याद है सोर्स यहाँ पे होता है एक्चुअल, असली डॉन तो ये बैठा है, असली सोर्स जिसकी वजह से ये सोर्स जैसे बिहेव कर रहा है, छुटपुटिए छुटपुटिए स्लिट्स, ये जो डबल स्लिट्स हैं ये इन्हीं की वजह से तो लाइट के सोर्स बन रहे हैं, क्योंकि पीछे एक सोर्स है, तो लाइट तो यहाँ पे भी आएगी, बट ये लाइट सारी ब्लॉक हो गई, और जब लाइट कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है तो सामने उसका शेडो बन जाता है, बचपन से देख रहे हैं हम लोग, है ना, वहां से लाइट आ गई, उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दो, पीछे उसकी शेडो, वही हुआ। पर ऐसा होता नहीं है, होता तो ये है कि यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट, है ना, ये इसको आप बोलते हो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। एनीवेज, यानी ये जो आप सोच रहे थे कि मित्रों, इसके पीछे जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे एक शेडो रीजन मिलने वाली है, वहां कोई शेडो रीजन ना मिलके वहां पे एक सेंट्रल ब्राइट मिल गया। ये जो
प्रॉपर्टी है लाइट की टू बेंड, टू बेंड एंड एंटर द शैडो रीजन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वाह 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 वाह, ये तो वाईडीएसई में ही पढ़ लिया था, रियलाइज नहीं हुआ था भाई. अगर सारी कहानी सही होती, अगर हम 10th क्लास में होते, हमसे कोई पूछता बताओ क्या होगा, हम बोलते लाइट सीधा जाएगी, लाइट सीधा जाएगी और सो जाते घर पे जाके 10th क्लास में. बट अब हमें पता है कि लाइट सीधा नहीं जाएगी, यहाँ पे वेव्स बनेंगी और यहाँ पे सेंट्रल बैंक बनेगा. क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, इधर से भी आ रही है, सोर्स तो पीछे रखा है ना इनके, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे लाइट बेंड होती है एंड एंटर करती है शैडो रीजन में. ये शैडो रीजन था, यहां पे लाइट नहीं आनी चाहिए थी पर पहुंच गई. इसी प्रॉपर्टी को डिफ्रैक्शन कहते हैं. अभी चार ऑब्जर्वेशन, मजा आ जाएगा. क्या बोला मैंने, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अरे यार ओपेक समझते हो ना, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ये तो ओपेक हो गया ना, ओपेक ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन. क्या रट रहे थे किताब से, अब तो फील आ गया, आ गया सर. एंटर्स द शैडो रीजन. नोट कर, पहला ऑब्जर्वेशन, ऐसे चार ऑब्जर्वेशन देखेंगे एकदम दिमाग खुल जाएगा बढ़िया से. लाइट यहां से सोचे थे सीधी जाएगी, बट वेव प्रॉपर्टी, यहां से वेवलेट बनी और लाइट बेंड हो गई और कहां घुस गई, जहां को नहीं घुसना चाहिए था, दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में, जहां तुम्हें नहीं घुसना था साथ में, लाइट वहां चली गई, शैडो रीजन में, बन गया सेंट्रल ब्राइट. नोट करें, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे लगे हम. नोट किया, फील हुआ, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स ऑन द कॉर्नर्स एंड एंटर शैडो रीजन. चलो दूसरे ऑब्जर्वेशन चलते हैं. मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो. ओके, फील दे रहे हैं हम ये सब, एग्जाम ये सब नहीं आया, एग्जाम में तो वही पूछेगा यार, सेंट्रल ब्राइट की आप एंगुलर विड्थ बताओ, डिफ्रैक्शन और वाईडीएसी के बीच का डिफरेंस बताओ, वही इसे बेटे सवाल आएंगे. पर ऐसे डिफ्रैक्शन तुम रट के जाते, अब तुम्हें फील आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. चलो ऑब्जर्वेशन नंबर टू, राहु में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई. तो ऑब्जर्वेशन नंबर टू क्या है, अब ये सबसे मेन ऑब्जर्वेशन है, यही डिफ्रैक्शन के फिनोमेना सारी किताबों में समझाया जाता है, यही असली है. क्या हुआ, यहां पे हमने एक सोर्स रखा, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे निकली लाइट रे, वाह 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 वाह, इससे निकली लाइट रे, बहुत बढ़िया. इसके सामने रखेंगे एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां से ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट, सो रन कर देते हैं थोड़ा सा. तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ऐसा बिल्कुल मत सोचना तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, वो भी नहीं पढ़ रहा, तुम भी नहीं पढ़ोगे, दोनों फेल होगे, फायदा क्या है, फिर बच्चों का खर्चा कौन उठाए, सर बच्चे यहां मान लो स्क्रीन है, हंसी छूट रही है तुम्हारी है ना, बच्चे ब्लशिंग, पास से कौन शादी करेगा, पहले बोर्ड तो निकालो. हाँ, तो ये स्क्रीन, अब ये यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं हो सकती. अभी शुरू में मजा कर लो, बाद में तो कैलकुलेशन है, सीरियस हो जाएंगे. ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट पास नहीं कर सकती, अब फिर से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट यहां तो पहुंचेगी, पर लाइट यहां नहीं पहुंचेगी, और ये होना चाहिए डार्क शैडो रीजन. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट इसके पीछे तो नहीं जा सकती, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ऑब्जेक्ट्स. इसका जो कॉर्नर है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट थे वो माइक्रो ऑब्जेक्ट थे. खैर, हमने सोचा इसके पीछे बनने वाली है डार्क शैडो और यहां होना है पूरा इल्यूमिनेटेड यानी ब्राइट. ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, जो शैडो बनी वो यहां तक बनी,
ये क्या बन गई, डार्क शेडो रीजन। आज तो मास्टर की जान निकल जाएगी, इसे रंग भरने में, रंग भरने के लिए थोड़ी ना होता है, डार्क शेडो रीजन। यहां पे शेडो नहीं बनी क्योंकि चूंकि ये जो लाइट रेज आ रही है यहां से बेंड होके अंदर घुस गई, कहां चली गई, इन द शेडो रीजन। लाइट को यहां नहीं जाना था, लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलना था, बट लाइट तो वेव होती है और छोटे छोटे ऑब्स्टिकल जैसे कॉर्नर के लिए लाइट वेव जैसा बिहेव करती है, यानी बेंड्स, लाइट बेंड होके घुस गई इन द शेडो रीजन। अब शेडो रीजन में चली गई तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं था कि बढ़िया एकदम ब्राइटनेस यहां चमक रहा है, इतने से ऑब्जेक्ट उसके चमक रहा है, ऐसा नहीं। इसके बाद जो हुआ वो सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद यहां से लेके मान लो यहां तक थोड़े से डिस्टेंस तक फ्रिंजेस दिखने लगी। अरे भैया हो रहा है ऐसा नेचर में, भी बाद में समझा दिया जाएगा फिनोमेना पूरा कि हाँ ये मैथ्स है, ये हुआ वो हुआ, वो तो तुम जानते ही हो, उनको जो समझाना होता समझा देते हैं, तुमको बस सर हिलाना होता है ना, ऐसे किया जाए ना, ऐसे ही सर्वे को बनाया गया हम लोग को हमेशा। खैर आओ, पर ऐसा हुआ ना, क्या हुआ, देखा गया कि यहां से यहां तक थोड़ी सी रीजन में फ्रिंजेस बनी। इसके जस्ट बाद तो बहुत चमक थी, बहुत ब्राइट थी, वाह वाह, बट उसके बाद आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया था, फिर आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया, फिर आया एक डार्क स्पॉट, उसके बाद बहुत चमक थी, बहुत बढ़िया, फिर आया एक डार्क स्पॉट। और आपको दिख रहा है कि जो डार्क फ्रिंजेस है वो पतली होती जा रही है, ये कुछ नई चीज ऑब्जर्व हुई। हर ऑब्जर्वेशन में नई नई चीजें बताते जाएंगे, मजा आता जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे लाइट बेंड होती है और कहां घुसती है, एंटर्स द शेडो रीजन। दूसरी बात ये समझ में आई कि शेडो रीजन के बाद कुछ फ्रिंजेस भी होती हैं, इसको हम यहां पे जूम कर लेते हैं, जूम जूम, इसको चलो जूम करते हैं, मान लो स्क्रीन है, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, तो साइड से देखें इसका फ्रंट व्यू देखो, ये स्क्रीन ऐसे है मान लो, अरे स्क्रीन है ना, इससे उसको निकाल लिया ऐसे। अब देखो क्या हुआ, यहां के बाद कहानी क्या हुई कि आपको पहले तो ब्राइट मिला, उसके बाद आपको एक डार्क फ्रिंज मिली, मोटी डार्क फ्रिंज, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली थोड़ी पतली, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली और पतली, उसके बाद एक और डार्क फ्रिंज मिली और पतली, यानी फ्रिंजेस धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं, फ्रिंजेस धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं, मतलब ये अनंत काल तक नहीं चलने वाला कि ऊपर फ्रिंजेस बनती रहेंगी, नहीं, थोड़ी दूर बनेंगी फिर ऐसे धीमे धीमे फेड अवे कर जाएंगी। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज अल्टरनेट ब्राइट एंड, कहां लिखूं यहां लिखूं, डार्क फ्रिंजेस। व्हाट वी ऑब्जर्व इज अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जस्ट अबव द शेडो रीजन, और उसके बाद यहां पे पूरी लाइट आराम से पहुंच रही है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये पूरा हमारा बढ़िया इल्यूमिनेटेड रीजन है, इल्यूमिनाटी नहीं, इल्यूमिनेटेड रीजन। तुम लोग तो मुझे भी इल्यूमिनाटी का समझते होगे, इल्यूमिनेटेड रीजन, टिडी टिडी टिडी, इल्यूमिनेटेड रीजन। सो अब आपको एक चीज और मजा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, अब आपको एक चीज और समझ में आई कि जो डार्क शेडो रीजन होता है और जो इल्यूमिनेटेड रीजन होता है उसके बीच में कुछ फ्रिंजेस भी बनती हैं, और इन फ्रिंजेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, which are different from Young's double slit experiment interference fringes. उससे अलग हैं ये, है ना, तो थोड़े थोड़े देख रहा है कि धीरे धीरे पतली होती जा रही, although हम अपने syllabus में पतले होने का discussion तो नहीं कर पाएंगे, अपने syllabus हम ये नहीं discussion कर पाएंगे पतली हो रही, but ऐसा होता है धीरे धीरे fade away कर जाती है। So क्या हम कहानी को कहीं लिख सकते हैं, when light strikes an opaque object, light bends and enters the shadow region. When light strikes an opaque object, it bends and enters the shadow region. पहली बात। दूसरी बात, there is no sharp boundary between shadow region and illuminated region. इनके बीच में कोई sharp boundary नहीं है कि यहाँ से shadow खत्म और यहाँ से चमकने लगा। There are alternate dark and bright fringes
between illuminated region and shadow region. The fringes goes on reducing and illuminated region comes. Very good English from UK. You got my point? तीन बातें अब आपको समझ में आ रही हैं. आप चाहो तो लिख लो. पहली बात, when light strikes an opaque object, when light strikes an opaque object, यहां तो रुक जाएगी, यहां कोई दिक्कत नहीं. It bends around the corners. It bends, हाँ यहां पर रुक जाएगी, बना दीजिएगा मैं. It bends around the corners. And enters the shadow region. यहाँ पीछे shadow होनी चाहिए थी यहाँ तक. Enters the shadow region. पहली बात. दूसरी बात. There is no sharp boundary. लिख लो. There is no sharp boundary between shadow region and illuminated region. दूसरी बात. आप चाहो तो हमारे notes website आजकल down चल रही है. कुछ दिन उसको figure out कर लेंगे. काम चल रहा है उसके पर. Otherwise website पर notes पड़े होंगे तो आपको मिल जाएंगे इसके. वहाँ पे तीनों बात भी लिखी है. दूसरी बात कि there is no sharp boundary between dark region and illuminated. तीसरी बात. Between illuminated region and dark region, there are alternate bright and dark fringes, which goes on fade, which fades away, yeah, which reduces away as we move away from shadow region. All these things happen. Ye hai main experiment jahan se diffraction hai. These alternate bright and dark fringes are called diffraction fringes, and this whole phenomena is termed as diffraction. लाइट का बेंड करना और शैडो रीजन में एंटर करना, शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज का बनना, इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन. क्लियर है? ऑब्जर्वेशन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जहां पे सारी बातें हुई. लिखते हैं. फर्स्ट, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बढ़ा लेते लोगों को समझ में आ गया, बढ़ा के आगे चलो. ऑब्जेक्ट, यही तो फायदा है. ओपेक ऑब्जेक्ट, इट बेंड्स अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स शैडो रीजन. पहली बात, एंटर्स शैडो रीजन. पहली बात नोट कर लिया. When light strikes an opaque object, it bends around corner of object and enters shadow region. ये होता है real life में. अरे यार कभी सोचो, एक copy ले लो और सामने एक bulb ले लो, है ना? एक point source लेना, ऐसे हर तरफ से light आएगी तो experiment नहीं अच्छा होगा. इस room में क्या हर तरफ से light आ रही? देखो यहाँ पे बहुत मुश्किल है. पर अगर आप अपने room पे करो और कोई भी एक object ले लो, copy ले लो, ऐसे रखो, तो उसकी बहुत बढ़िया पीछे shadow नहीं बनती. धुंधली सी, पहले तो एक शैडो साफ बनेगी और शैडो के अगल बगल आपको आउटलाइन दिखती है ब्राइट रंग की, कॉर्नर्स पे आउटलाइन ब्राइट रंग की. अभी अगला एक्सपेरिमेंट उसमें और मजा आएगा, है ना? ये बनाया शैडो के अगल बगल ब्राइट आउटलाइंस दिख रही है, उसके बाद डार्क होता है, उसके बाद ब्राइट होता है, वो धीमे धीमे खत्म होता है, उसके बाद ब्राइट आ जाता है. पूरा इस हाथ की जब शैडो बनेगी तो पीछे आपको दिखेगा शैडो, उसके बाद आपको दिखेगा ब्राइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, ऐसे करते रहते हैं, फिर ब्राइटनेस पे आती है. Second point, there is no sharp boundary between illuminated region and shadow region. ऐसा नहीं होता कि बाउंड्री बनेगी यहां से, अब लाइट आएगी यहां से नहीं. लाइट थोड़ा कंफ्यूज है कॉर्नर पे, क्या करें? हो गया, there is no sharp boundary. तीसरी बात, मिटा दे इसको. तीसरी बात, बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन एंड डार्क रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन एंड डार्क रीजन, डार्क रीजन वी ऑब्जर्व ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कॉल्ड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस एंड दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस फेड्स अवे एज यू मूव अवे फ्रॉम द शैडो. जैसे जैसे आगे जाओगे फेड हो जाए. मजा आया, अब आ गया फील. अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे मिटा रहे, पॉज करके नोट कर लो. 1 2 3 4 5 हाँ.
हैं ऑब्जर्वेशन नंबर तीन, क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सर करा दो, सर आ गया, सर आ गया। अरे एक और ले लो, क्योंकि वो तुमने अभी देखा नहीं, तब तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो। अब जरा अपर्चर की बात करते हैं, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी में या किसी भी किताब में इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो लिखता है लाइट पासेस थ्रू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और अपर्चर्स। अपर्चर की बात भी करता है, एक तो ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर अपर्चर की। अब जरा ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री देखो, अपर्चर मतलब होल। ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री, बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है, वाह 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 वाह, यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। पॉइंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड रख रहे हैं ऐसे करके, ये हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया, अरे छोटा सा होल बना लिया अपर्चर, इसके पीछे स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन। अब जो नादान बच्चा होगा, तुम्हारा भाई बहन टेंथ में है, जिसके इमोशन से दुनिया खेल रही है ना, हल्की हल्की चीजें पढ़ रहे हैं, उनको बताया जाएगा कि यहां से लाइट सीधे आएगी और यहाँ पे इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा, जस्ट अ सेकंड। इस बार यहाँ पे होल है, लाइट इसमें से पास करेगी और बाकी जगह से पास नहीं करेगी। दैट मींस इस बार ये पूरा जो है ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ये रीजन, और यहाँ पूरी शेडो बननी चाहिए और इसका स्पॉट इतना ही बड़ा बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि लाइट विल बेंड अराउंड द कॉर्नर एंड एंटर द शेडो रीजन। देखो एक्चुअल में ये ऐसा बनना चाहिए था, इतना ही बड़ा, एक्चुअल में इतना ही बड़ा बनना चाहिए था इसके सामने, और यहाँ पूरी शेडो रीजन होनी चाहिए थी। पर लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि शेडो रीजन में घुसना है, तो यहां से लाइट आएगी, फैलेगी, यहां से लाइट आएगी और ट्राई करते हैं, फैलेगी और ये बनेगा ऐसे। ये जो होल छोटा सा था ये स्क्रीन पे, ये तो कर ही सकते हो आप घर में, लाइट बंद कर दो, यहाँ टॉर्च ले लो, बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट, लाइट बंद कर दो रूम की, टॉर्च ले लो, सामने यहाँ पे कार्डबोर्ड में छेद कर लो होल और सामने वहां पे स्क्रीन रख लो, थोड़ी दूर रखना है, ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए बढ़िया डिफ्रैक्शन देखने के लिए, जितना दूर रखोगे उतना बढ़िया डिफ्रैक्शन, दूर रख लो। अब यहाँ से टॉर्च से लाइट मारो तो इस पूरे से ऑब्स्ट्रक्ट होगी लाइट, इसमें से सीधा जाएगी, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था, पर ऐसा होगा नहीं, वो ब्राइट स्पॉट बड़ा बनेगा क्योंकि लाइट इसके अंदर से निकल के देखो एक तो सीधे जाने की कोशिश करेगी और कॉर्नर पे ऐसे बेंड होगी ना, और बेंड होगी यहाँ पे ऐसे, समझ रहे, छेद में से निकलने का सीधे जाने से कॉर्नर से बेंड हुई इसके कॉर्नर से, थोड़ा फील सर ये होल वाली समझ में। लाइट एंटर्स द शेडो रीजन, पूरा शेडो होना चाहिए बीच में ब्राइट, पर लाइट घुस गई शेडो रीजन में और सेंट्रल ब्राइट बड़ा हो गया। अच्छा यहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, इसके बाद आपको एक ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद एक डार्क फ्रिंज, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, ऐसे आपको फ्रिंजेस भी मिलेंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात कि ब्राइट स्पॉट, ये जो होल है इतना बड़ा ब्राइट नहीं बनेगा, इससे बड़ा बनेगा क्योंकि लाइट थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी, और उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंजेस ऐसे फेड होती हुई दिखेंगे। आया ऑब्जर्वेशन नंबर फोर्थ, विच इज आर मेन एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव टू स्टडी, वहीं से स्टार्ट होगा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बेटा इसको अब डिफ्रैक्शन क्लियर हो रहा है, अलग अलग तरह से दिख सकता है, एक तो लाइट बाउंड्रीज पे मुड़ती है और एक वेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल अपर्चर। याद रखना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा छेद बना गया इतना बड़ा सा, स्मॉल अपर्चर जो लाइट की वेवलेंथ के पास हो, पासेस थ्रू स्मॉल अपर्चर, थ्रू स्मॉल अपर्चर लाइट बेंड्स अराउंड कॉर्नर्स ऑफ अपर्चर एंड एंटर्स द शैडो रीजन ऑन स्क्रीन। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कहानी, और उसके बाद बता सकते हो कि ब्राइट और इल्यूमिनेटेड, सॉरी इस बार उल्टा हो गया, इस बार ये इल्यूमिनेटेड और ये शैडो रीजन, शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है और उनके बीच में फ्रिंजेस दिख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर फोर पे चल रहे हैं हम, नोट कर लें इसको, पॉज करके इसकी यहाँ पे अपने दिमाग में एक फोटो खींच लें। मैं देखा तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े हाँ
इतनी फोटो देखनी थी, देख ली आपने, अब आ गया है दिसंबर, इसके बाद जनवरी। हाँ, अब मेन चौथा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन नंबर फोर, जो आज मैं पूरा डिटेल में पढ़ना है, शुरू कर रहा है ऑब्जर्वेशन नंबर फोर पर। यही आपके सिलेबस में स्टडी है इसकी पूरी, विच इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज जो थर्ड वाला बनाया है उसी को करेंगे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, थर्ड वाले का एक्सटेंशन है समझो। यहां पे हम एक सिंगल स्लिट लेंगे, डबल स्लिट नहीं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिर्फ एक छेद होगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्या आप स्लिट की मीनिंग भूल गए हो? आपको फील है ना स्लिट क्या होता है? होल टाइप का नहीं होता स्लिट, मतलब क्या, हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लेंगे और ब्लेड लेके उसमें ऐसे एक लाइन खींच देंगे, बस उतनी पतली सी जो छेद हुई उसको स्लिट बोलते हैं। समझ रहे हो कि यहाँ पे आप एक कार्डबोर्ड उठाओ, ये आपने एक कार्डबोर्ड उठाया और यहाँ पे ऐसे ब्लेड मार दो ऐसे, है ना, या किसी एकदम चाकू से लेके ऐसे एक बार ऐसे ऐसे कर दो, तो बीच में जो ऐसे लाइन बनेगी ना जिसके अंदर से लाइट जा सकती है उसको स्लिट बोलते हैं। तो एक ही स्लिट बनानी है, फिर इसको लेके हमने ऐसे रख दिया, पहले तो कार्डबोर्ड लिया ऐसे मारा ब्लेड ऐसे, इसमें पतला ऐसे स्ट्रिप बन गया, फिर उसको घुमा के ये ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ बड़े से दिखा रहे स्लिट, बट एक्चुअल में दिस इज वेरी 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 स्मॉल, एक सिंगल स्लिट है, इसको हमने बोल दिया चलो एस, ठीक है। यहां सामने स्क्रीन, अब बताओ जो नन्हे मुन्ने बालक होंगे वो क्या सोचेंगे कि इसके सामने बनेगा ब्राइट, यही तो सोचेंगे वो कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, मान लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पहुंचेगी जब लाइट तो ऐसे ऐसे और ऐसे, वो सोचेंगे यहाँ पे क्या होगा ब्राइट, यहाँ क्या होगा डार्क। डबल स्लिट से कंफ्यूज नहीं करो, जो बता रहा है बस सुनते चलो, उसमें ऐसा जो है सामने वो है भाई, सामने छेद है, छेद के सामने लाइट पहुंचेगी, अगल बगल नहीं पहुंचेगी, ऐसा बच्चे सोचेंगे। आपको तो पता है लाइट की प्रॉपर्टी है कि कॉर्नर पे मुड़ो और कहां घुसो, शैडो रीजन में, हाय 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 हाय, अरे भाई ये लाइट यहाँ आई, 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 ये पूरा ब्लॉक कर देगा लाइट को, ये शैडो रीजन है, दिस इज द शैडो रीजन, शैडो रीजन एंड दिस इज ऑल्सो द शैडो रीजन। तो लाइट की तो प्रॉपर्टी है शैडो रीजन में घुसो, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, हमने सोचा ऐसा बनेगा बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन व्हेन इट कम्स टू एन अपर्चर व्हिच इज वेरी 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 स्मॉल, देन लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वेवलेट्स बनेंगे और लाइट ऊपर नीचे भी जाएगी, मतलब यहाँ से ये नहीं हुआ, ए लाइट ऐसे तो गई सामने तो गई, ना ऐसा नहीं कि नहीं गई, बिल्कुल बिल्कुल सामने तो गई लाइट, बट सामने भी गई थोड़ी सी, ऊपर भी गई थोड़ी सी, नीचे भी गई, यानी लाइट कहाँ एंटर कर रही है, लाइट शैडो रीजन में एंटर कर रही है। यहां तक हमको पूरा ब्राइट दिखा, लाइट एंटर्स द शैडो रीजन, और उसके बाद हमें क्या दिखा शैडो रीजन में घुसने के बाद, कि यहां पे बन गई डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, ऊपर भी ये क्या बन गई डार्क एंड ब्राइट, और बीच में बन गई पूरी ब्राइट। कुछ समझ में आ रहा है, लाइट को चलना कैसे चाहिए था सर, सीधा 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 लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट नहीं, लाइट की प्रॉपर्टी है टू बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, ये है ना इसका कॉर्नर, ये है ना इसका कॉर्नर, बेंड, यहां से लाइट आई यहां तो लड़ गई ठीक है, पर जैसे ही कॉर्नर मिला यहां ही ठीक है, जैसे ही कॉर्नर मिला लाइट बेंड हो गई, यहां वाली लाइट लड़ गई ठीक है, जैसे ही कॉर्नर मिला बेंड हुई एंड एंटर्स द शैडो रीजन, इसके पीछे इसकी शैडो होनी चाहिए थी इतनी ही बड़ी, यहां से यहां तक ये सोर्स ऑफ लाइट है, फील तो हो गया है डिफ्रैक्शन जरूर नहीं, ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे यहां पे शैडो होनी चाहिए, पर क्या हुआ लाइट बेंड होके घुस गई शैडो, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसके पीछे इतनी बड़ी शैडो होनी चाहिए थी, पर लाइट बेंड होके शैडो रीजन में पहुंच गई, और उसके बाद मिला डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और उसके बाद ना यहां पे लाइट पहुंच पाई ना यहां पे लाइट पहुंच पाई, तो ये तो पूरा डार्क शैडो रीजन होगा, क्लियर हुआ, दिस इज द शैडो रीजन। तो शैडो रीजन का साइज कम हो गया,
पहले शैडो यहाँ तक होनी चाहिए थी बट घट के यहाँ तक, तो ब्राइट हुआ उसके बाद फ्रिंजेस मिस कर परफेक्ट। इस पूरे फिनोमेनन को हमें पढ़ना है, पहली चीज हमें ये पढ़ना है कि ब्राइट रीजन कितना बड़ा होगा, फिर हमें पढ़ना है कि पहला डार्क कहाँ बनेगा, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथा डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट कहाँ बनेगा, ये सब हमें पढ़ना है। कैसे इंटेंसिटी घटती जा रही है डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की, ये सारी चीजों की हमको स्टडी करनी है। क्लियर, हमें पढ़ना है कि सेंट्रल ब्राइट कितना बड़ा बना, एक्चुअल में तो इतना ही बड़ा बनना चाहिए था पर कितना बड़ा बना ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ये जो फ्रिंजेस बने ये कहाँ पे बने, कितनी दूर बने, इस जगह से पोजीशन क्या है, इनकी विड्थ क्या है फ्रिंजेस की, और इंटेंसिटी कैसे घट गई। शुरू किया जाए तो चलिए अब स्टार्ट होने जा रहा है प्रॉपर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सर अब तुमको आ जाएगा, तुमको फील हो गया, अब तो बस मैथमेटिक्स बतानी है, मिटा रहे इसको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल ब्राइट के बारे में। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, चार ऑब्जर्वेशन से आपको डिफ्रैक्शन तो फील हो गया होगा। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट और स्मॉल अपर्चर, इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर एंड एंटर्स द शैडो रीजन, देन व्हाट हैपेंस, शैडो रीजन और बस बगल में जो भी रीजन है इल्यूमिनेटेड रीजन, उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है और उनके बीच में फ्रिंजेस है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन नाउ वी स्टार्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल ब्राइट के बारे में। ये स्लिट है, ये बहुत पतली है, मैंने यहां बहुत इसका जूम वर्जन बनाया है, जूम वर्जन यहां पे स्क्रीन, ठीक है, ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है, ये बहुत पतली, समझ रहे हो ना ये क्या चीज है, मैं बता दूं आपको, गलत इमेजिन मत करना। ये कार्डबोर्ड लेके बीच में से ब्लेड मार दिया, चाकू चला दिया, फिर उसको ऐसे टेढ़ा करके यहां पे रख दिया, क्लियर है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पे सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, अब हमने सोचा सिंगल स्लिट से लाइट सीधी जाएगी बट ऐसा नहीं हुआ। अब सुनो यहां से स्टार्ट होता है थोड़ा सा हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? यहां पे मान लो वेव्स पहुंची या वेवलेट पहुंची, जो तुमको समझना हो, यहां मान लो वेवलेट्स पहुंची, इस जगह पर वेवलेट्स, बस अब यहां से हलवा भी है, बिल्कुल आसान। यहां एक मान लो वेवलेट पहुंची। अब आपने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा था कि ईच पॉइंट ऑन द वेवलेट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स, यानी इस वेवलेट का हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, यहां से फ्रेश वेव्स निकलेंगी, याद आया? यानी यहां पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यहां पे करोड़ों सोर्स ऑफ लाइट है, आई रिपीट, करोड़ों सोर्स ऑफ लाइट है, यही तो वेव नेचर का बर्थ है। ये एक्सपेरिमेंट बिना वेव नेचर के आप बता ही नहीं सकते, पार्टिकल नेचर में तो लाइट सीधे चलती ना, इसका मतलब यहां पे एक सोर्स नहीं है, यहां पे मल्टीपल सोर्सेस है और उनका इंटरफेरेंस हुआ है, तभी तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनी है। फ्रिंजेस तो तभी बनती है जब इंटरफेरेंस, पर यहां इंटरफेरेंस दो स्लिट से नहीं हो रहा, एक ही स्लिट में एक ही सोर्स के एक ही वेवलेट पे डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस बन गए। एक वेवलेट का हर पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट सोर्स, मान लो यहां पे 100 पॉइंट सोर्सेस, जस्ट 100 इमेजिन कर रहे हैं, करोड़ों है, ठीक है, और यहां से मान लो कि हमने लाइन खींच दी और ये जो विड्थ है इसकी, या मिटा दूं मैं वेवलेट, मिटा दूं इसकी जरूरत है नहीं, वेवलेट तो फील हो गया आपको, मान लो यहां पे सैकड़ों पॉइंट सोर्स हैं, सैकड़ों मतलब 100, फील हुआ ये पॉइंट सोर्सेस कहां से है? बिकॉज ऑफ द वेवलेट, एवरी पॉइंट ऑन द वेवलेट एक्ट एज अ न्यू पॉइंट सोर्स। मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है बच्चों वो ए है, वाईडीएसई में हमने दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी लिया था, यहां पे इसकी विड्थ ए ली है स्लिट की, विच इज वेरी वेरी स्मॉल अगेन, ओके। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक पॉइंट सोर्स ये, एक पॉइंट सोर्स ये, पहला और 100 वाला, 100 माने ना हमने 1 से लेके 100 तक, तो फर्स्ट वाला और 100 वाला, जब ये फर्स्ट वाला यहां चला और जब ये 100 वाला यहां चला, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? जीरो।
जितना रास्ता इसने ट्रेवल किया उतना रास्ता इसने, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है पार्ट डिफरेंस जीरो का मतलब फूल खिलेगा, नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट। बट रुको, डिफ्रैक्शन में ऐसे डिसीजन नहीं लेना है, डिफ्रैक्शन में दो सोर्स नहीं है, डिफ्रैक्शन में करोड़ों सोर्स है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक डिफरेंस है, वहां दो लेके काम खत्म नहीं, यहां पे एक ही वेवलेट में बहुत सारे सोर्स है। बाकियों के बारे में सोचो, फर्स्ट और हंड्रेड के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो, एकदम सही बात है आपकी। जहां सेकेंड वाला हम उठाते हैं सोर्स, और यहां से 99 वाला उठा लो, हमने सेकेंड उठा लिया 99, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जीरो अगेन, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। इसी तरह से करते करते मान लो हमने यहां से दसवां पॉइंट सोर्स उठाया और यहां से 90 वाला पॉइंट सोर्स उठाया, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस भी जीरो। इस तरह से करते करते कचक कुचुक कचक कुचुक कचक कुचुक सबके बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो, और फाइनली यहां पे आपको मिला सेंट्रल पॉइंट। समझ में तो आना चाहिए कि सेंट्रल पॉइंट क्यों बनना है, वेव नेचर से पार्टिकल नेचर से सही है, लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, पर अब तो वेव की बात है, और वेव में सेंट्रल पॉइंट तभी बनता है जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। तो पहले सोर्स 100वें सोर्स के बीच में जीरो, दूसरे 99 के बीच में जीरो, तीसरे 97 के बीच में जीरो, ऐसे करते करते सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। डिफ्रैक्शन में एक या दो सोर्स को नहीं, करोड़ों सोर्सों के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले और 100वें के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो, दूसरे और 99 में जीरो, भाई यार कट 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 कट, मान लो ये है सामने स्क्रीन है, तो यहां से और यहां से बराबर डिस्टेंस, यहां से ये बराबर डिस्टेंस, यहां से ये बराबर डिस्टेंस, ये और ये बराबर डिस्टेंस, इसके इसकी पाथ सेम, पार्ट डिफरेंस जीरो, इसके इसकी पाथ सेम, पार्ट इसके जीरो, समझ गए। चलो ये तो बात हुई सेंट्रल ब्राइट बनना, अब बात आती है कि सेंट्रल ब्राइट कितना ऊपर तक गया, क्योंकि कहानी तो यही कह रही है कि सेंट्रल ब्राइट, बोलो यहीं पर खत्म हो जाएगा कि इसके ऊपर, बोलो 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 बोलो, यहीं पर खत्म हो जाएगा इसके उसके ऊपर जाएगा। तो अब बात यह आ रही है कि सेंट्रल ब्राइट कहां तक है, बड़ा आसान है इसको निकालना, बहुत आसान है। सेंट्रल ब्राइट वहां तक है जहां तक डार्क नहीं आया है, जहां पे पहली डार्क फ्रिंज आ जाएगी वहां सेंट्रल ब्राइट खत्म हो जाएगा, यानी जिस प्लेस पे पहली डार्क फ्रिंज मिल गई वहां पे सेंट्रल ब्राइट की लिमिट खत्म। यानी अब अपना काम है पहली डार्क फ्रिंज पता करना, इतना नोट करो, फिर डार्क फ्रिंज पता करते हैं, इतना नोट करो। नोट किया, राजा को रानी से प्यार हो गया, ना तुम राजा ना तुम रानी, तुम क्यों प्यार के बारे में सोच रहे हो, गरीबी की जिंदगी है, पढ़ाई कर लो। राजा को रानी से हो गया, अब बात आ रही है कि कहां पे पहली डार्क बनेगी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है। अब सुनो 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 सुनो, वन डार्क, वन डी मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ऐसे लिखेंगे वन डी है ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज अकर्स एट अ पॉइंट वेयर वेयर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बोलू, अच्छा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, where delta x is equals to delta x नहीं बोल सकते, एक काम करना पड़ेगा यहां से और यहां का डिफरेंस बता रहे, चलो अभी बोल दे delta x चेंज करते, is equals to lambda, ये ची ये तो गलत है, ये नहीं मान सकता मैं सर, इस पे तो ब्राइट बनता था, वो आईडी है सीता, वहां दो सोर्स थे, यहां एक सोर्स है, कहानी बदल गई है। वेलकम टू द प्रिपरेशन ऑफ JEE नीट, थिंग्स विल चेंज एवरी डे, यहां delta x lambda हो गया, जब डेल्टा एक्स लैम्डा होगा तब ब्राइट डार्क बनेगा। आओ देखते हैं कैसे, इसको मिटा लेंगे प्यार से, इसको नोट कर लिया एकदम खूबसूरती से, बहुत बढ़िया मिटा लें। कुछ लोग वीडियो को पॉज करके उस इंसान को ढूंढने गए जिसने कहा था साइंस ले लो, आज हाँ हाँ इंटरफेरेंस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सब रट लेंगे वीडियो बनने ही, वो भी नहीं अभी बहुत सी चीजें अंदर बदलेंगी। आप मान लो ये डिस्टेंस अपना a है, ठीक है ये डिस्टेंस अपना a है, छी छी थोड़ा सा छोटा करो, ये डिस्टेंस मान लो अपना a है, विड्थ ऑफ स्लिट इज a, यहाँ बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं, कोई एक वेवलेट आई होगी उसके ऊपर अंगिनत पॉइंट सोर्स होंगे, मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, मान लिया
कहीं यहां पे पहुंच रहा है इस जगह पी पॉइंट पे। ये बहुत ही मैग्नीफाइड वर्जन है, ठीक है, इतनी बड़ी स्लिट ऐसे नहीं छे ये। अच्छा मान लो पहला डार्क यहां पहुंच रहा है, चलो नाम दे देते हैं इसको, बोल देते हैं फिर से क्या बोल दिया इसको, ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको पी। तो जिस जगह पे एपी और बीपी का डिफरेंस लैम्डा होगा वहां पे पहला डार्क बनेगा। यू कैन नॉट से डेल्टा एक्स लैम्डा, मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट राइट ओवर हियर, व्हाई, क्योंकि यहां बहुत से सोर्स हैं, सबका पार्ट डिफरेंस देखना होगा, यहां किसी एक का तो नहीं देख सकते क्या। सो व्हाट वी विल रादर से, वी विल रादर से दैट दैट बीपी माइनस एपी, बीपी भावना पांडे माइनस अलख पांडे, हु इज भावना पांडे, इज इक्वल्स टू लैम्डा। ऐसी जगह पर डार्क मिलता है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं, क्या आपको याद है यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सेंट्रल ब्राइट पे, यहां से हम एक डुम 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 खींचेंगे, ए अच्छी छी टेढ़ा हो गया, यहां से डुम 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 खींचेंगे, इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। हां इसको जब थीटा बोलते थे फिर हम यहां पे परपेंडिकुलर गिराते थे, यही तो पार्ट डिफरेंस होता था, याद है। अरे देखो इसको, जो लोग पहली बार मेरा कोई लेक्चर देख रहे हैं आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं से बिहेव करो, अदरवाइज आई बिहेव वेरी अच्छे से, like a obedient kid, like a obedient teacher। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पढ़ाई कर लो, मैं ये कह रहा था कि BP और AP के बीच का difference यही तो होता था ना, part difference यही तो आएगा, बाकी यहाँ से तो दोनों के रास्ते same, यही part difference है। तो बच्चों ये A होता था तो ये angle theta mark हो जाता था और ये कितना आता था A sin theta। तो rather saying BP minus AP is equals to lambda, we will now say when A sin theta is equals to lambda, then we observe first dark। इसको नोट कर लो, अभी समझाएंगे कैसे, अभी समझाएंगे। When a sin theta, ये पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का, पहले और आखिरी सोर्स के बीच का, पहले और आखिरी सोर्स के बीच का पाथ डिफरेंस जब a sin theta है, which is lambda, जब lambda है, जो कि a sin theta हमेशा होगा, तब dark spot मिलता है। ये क्लियर है ना यार, ये तो a sin theta होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कहा BP minus AP is equals to lambda, यानी कि A sin theta। What is BP minus AP? BP minus AP is A sin theta। BP minus AP, BP में से AP घटाओ, तो देखो इस पाथ में से ये हटा दे, यही तो डिफरेंस है दोनों का। BP minus AP is this thing, यही तो एक्स्ट्रा इसके पास। हाँ ठीक। अच्छा अब ये कैसे हुआ, बात ये है, अब इसको समझते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे अनगिनत सोर्स है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 100 सोर्स मानते हैं, starting from here khacha, going to here khacha, 1 2 3 4, पूरे नहीं बनाऊंगा, यहाँ बहुत से sources हैं, पहला first और last में 100, इसको बीच से divide कर देते हैं। अगर ये पूरा distance a है तो ये distance a by 2, बोलो सही। पहले और आखिरी के बीच का part difference अगर lambda है, if यहाँ देखो first एंड 100 के बीच का यहां पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर लैम्डा है, अगर पहले और 100 के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो सुनना, ये मैंने बीच से डिवाइड कर लिया, सुनना, यहां कहीं 50 है, तो फर्स्ट एंड 51 के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। यहां से एक रे निकली और यहां से जस्ट इसके नीचे, क्या इन दोनों में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा? और अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो क्या ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं? लैम्डा बाई 2 इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओए 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 ओए। इसी तरह से क्या सेकेंड एंड 52 के बीच में भी लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होगा? यहां से सेकेंड सोर्स उठाओ और यहां से 52 आया, ये 51 से जा चुकी है, इन दोनों के बीच में भी क्या लैम्डा बाई, है तो बात लैम्डा में पहले वहां पे ब्राइट बन रहा था, यहाँ डार्क, तो वही समझा रहे हैं क्या हुआ, क्योंकि यहाँ एक सोर्स नहीं, यहाँ बहुत से सोर्स हैं और सबका इंटरफेरेंस देखना होगा, तो पहला और 100 वाला के बीच में लैम्डा है, चलो उसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने काट दिया, छोड़ दो उसको। अब पहले और 51 में कितना होगा लैम्डा बाई 2, ये पूरे में लैम्डा है, इसमें और इसमें, तो इसमें इसमें लैम्डा बाई 2,
दूसरे और 52 में लैम्डा बाई 2, इसी तरह से तीसरे और 53 में लैम्डा बाई 2, यानी जहां 50-50 का डिफरेंस होगा वहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि 100 के डिफरेंस पे पार्ट डिफरेंस, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, इसके और इसके बीच में, यानी करते 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 50th एंड 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 50th यानी ये वाला भी कवर हो गया, और 3rd और 53, 4th और 54, ला ला 10 और 60 जहां ना पर। तो यार जब सबके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क ही तो बनेगा। पहले वाले ने 51 वाले को कैंसिल किया लैम्डा बाई 2 यानी अपोजिट फेज में, लैम्डा बाई 2 यानी अपोजिट में, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ कैंसिल। दूसरे वाले ने 52 वाले को कैंसिल किया, तीसरे ने 53 को, चौथे ने 54 को, करते करते 50वें ने 100 को, सबके बीच में क्या हो गया, प्यार, प्यार नहीं ब्रेकअप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है देन इट विल बी अ डार्क स्पॉट। नोट करें, एक सोर्स नहीं है यहां, कई सोर्स हैं, करोड़ों। हमने 100 एग्जांपल लिया, हमने कहा 100 एग्जांपल लो, बीच में काट दो, एकदम मिड से काट दो, मिड से काट दिए तो ये पूरा ए था, ए बाई टू, ए बाई टू, यहाँ यहाँ का पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, तो यहाँ और यहाँ का लैम्डा बाई टू, 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 वो सब आपस में इंटर, 151 वाला आपस में इंटरफेयर के खत्म, लैम्डा बाई टू मतलब डिस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, ये सब डिस्ट्रक्टिव। अब मैं यहाँ से ये हटा दूँ, अब आपको फील हुआ डेल्टा एक्स लैम्डा नहीं लिखना चाहिए था, वेयर ए साइन थीटा इज लैम्डा, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो बट पाथ डिफरेंस लैम्डा नहीं है, नारा नारा ना है पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, किसके बीच में, पहले और 51 के बीच में, दूसरे और 52 के बीच में, तीसरे और 53 के बीच में, चौथे और 54 के बीच में, द 10th और 60th के बीच में, 20th एंड 70th के बीच में, इन सब के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा, क्योंकि 100 के डिफरेंस पे लैम्डा है तो 50 के डिफरेंस पे लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2 मतलब एक दूसरे को कैंसिल करके खा देंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क, वहां ऐसा क्यों नहीं, वहां दो सोर्स थे, एक सोर्स ही एक सोर्स ही, यहां से लाइट यहां से लाइट और उनके बीच में डिफरेंस लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव, यहां कई सोर्स हैं, यही मेन पॉइंटेड, यही मेन पॉइंटेड डिफ्रैक्शन, नोट करिए इसको। सो नाउ वी कैन से व्हेन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा देन वी हैव फर्स्ट डार्क, और वी कैन से व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए देन वी हैव फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं। अब आपको पता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो थीटा होता है बहुत छोटा होता है, रीजन ये होता है इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी बोलते हैं, दिस इज नॉट दैट डी, दिस इज डार्क, दिस इज जस्ट डार्क, तो आपको पता है कि इसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और कंडीशन ये होगी कि डी इज मच 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 ग्रेटर देन ए, यस यहां पे भी कंडीशन है, ये डिस्टेंस बहुत दूर होगा, स्क्रीन बहुत दूर रखी होगी, अगर स्क्रीन बहुत दूर रखी होगी तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, अरे फ्रिंजेस बहुत ऊपर कहां जा रही, फ्रिंजेस तो ब्राइट की जस्ट बगल बगल है, लाइट गई पतले से छेद से लाइट गई, इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राइटनेस है, उसके बाद फ्रिंजेस, उसके बाद फ्रिंजेस दिखता हूं, यानी ये जो एंगल बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है जहां तक फ्रिंजेस है, फ्रिंजेस इसमें देखने में लग रहा है बहुत ऊपर है, ये तो मैंने जूम वर्जन बनाया, असल में तो क्या आया कि जैसे मान लो स्क्रीन है ये मान लो, तो असल में तो यहीं पे सारी कहानी खत्म हो गई, इतने में ब्राइटनेस, इसके बाद थोड़ी सी फ्रिंजेस और उसके बाद फिर खत्म, यानी जो एंगल बन रहे होंगे दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्यों, क्योंकि स्क्रीन बहुत 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 दूर है, द एंगल विल बी वेरी 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 स्मॉल, तो जनरली क्या होगा, दिस थीटा विल बी वेरी 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 स्मॉल, फ्रिंजेस बहुत दूर तक कहां बन रही है, थोड़ी सी एरिया में दूर, ऐसे एकदम दूर स्क्रीन रखी है और वहां पे थोड़ी सी फ्रिंजेस, ब्राइट के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो एंगल तो बहुत ही छोटा बन रहा, और आपको पता है जब थीटा वेरी 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 स्मॉल होता है देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो वी विल से साइन थीटा की जगह थीटा रख देंगे, हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, हम लिख देंगे थीटा 1d यानी फर्स्ट डार्क, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजिशन, और पूरे डिफ्रैक्शन में हम एंगुलर पोजिशन पे ही ध्यान देंगे, एंगुलर पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा,
एंगुलर पोजिशन ऑफ फर्स्ट डार्क. नोट करें, फिर सेकेंड डार्क की बात करें, फिर तो रेगुलर हो जाएगा. सेकेंड की बात हो जाएगी तो थर्ड फोर्थ तो फिर क्लियर ही हो जाएगा. नोट करें इसको, छाप लिया, पॉज करके नोट करना है. ऐसे ही नोट कर दें, पॉज करके. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ नहीं, मैं कोई टिकटॉक वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ. टिकटॉक से मेरे पास मेल भी आया था. टिकटॉक का मतलब ये तो नहीं कह रहा फाउंडर, पता नहीं, बट कोई थे जिनका नाम ऐसे लिखा था मेल में, ऐसे करके आया था मेल. फिर चिंगा चुंगू कुछ ऐसे. I'm so sorry, I'm not racist, but I love my India and I can't read this. The problem is, तो उनका था कि आप टिकटॉक पे आइए तो आपको 50,000 रुपये देंगे. पैसा पढ़ ले. एक मिनट में आप वहां पे डिफ्रैक्शन पढ़ाइए टिकटॉक पे. तो क्या, सो जहां पे थीटा, ये जहां पे क्या बोल रहा था, भूल गया, जहां पे a sin थीटा लैम्डा के बराबर हुआ, पहले और आखिरी सोर्स के बीच में लैम्डा का डिफरेंस है, बट बाकी सब के यानी फर्स्ट ऑफ 51 सेकंड ऑफ 50 सब के बीच में लैम्डा बाय 2, एक्चुअल जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फर्स्ट डार्क मिला, a sin थीटा इक्वल लैम्डा, sin थीटा से लैम्डा बाय a. फिर मैंने कहा क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर है, d इज मच मच ग्रेटर देन a, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली थीटा विल बी वेरी स्मॉल. और मैं फिर से बोल रहा हूं कि फ्रिंजेस बहुत दूर तक नहीं बनती कि थीटा वहां तक जाएगा, फ्रिंजेस थोड़ी सी, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, हेंस थीटा फॉर फर्स्ट आर्क इज लैम्डा बाय ए. यहां से आपको एक चीज और दिख रही है कि ए, चलो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे सेंट्रल राइट की भी कहानी बताते हैं. तो यहां तक आ रहा है सेंट्रल राइट, इधर भी सेंट्रल राइट बनाते हैं, मिटा रहे इसको, नोट कर लिया. ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. हाँ, तो वहां बना, इसी तरह से नीचे भी बनेगा है कि नहीं, इधर भी तो बनेगा, फर्स्ट डार्क सेम कहानी, सेम सारी बातें, यहाँ पे पी डैश ले लो फर्स्ट डार्क, यानी ये पूरा रीजन है सेंट्रल ब्राइट का. ये डिस्टेंस आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप ये आपने बोला है sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a इस जगह के लिए. अच्छा आपको पता है अगर थीटा छोटा होता है, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तब sin थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, सब बातें सही होती है, नियरली इक्वल टू थीटा भी सब सही है. तो यहां से आप sin थीटा की जगह tan थीटा रख दो इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a. अच्छा मान लीजिए डिस्टेंस y है, पूछा नहीं जाता y, इसमें एंगुलर पूछा जाता है. मान लो डिस्टेंस y किया था ना, y dc में भी y डिस्टेंस ले लिया, ये मान लो डिस्टेंस y है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y बटे d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a, सो y इज इक्वल्स टू d लैम्डा बाय a, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क लिख देते हैं, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर नहीं अब तो एक्चुअल y डिस्टेंस बता दिए, फर्स्ट डार्क d लैम्डा बाय a, वहां पे क्या आ रहा था, d लैम्डा बाय d आता था ब्राइट के लिए आता था, यहां डार्क के लिए आया है. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, यू शुड रिमेंबर दिस एंगुलर पोजीशन. ये वाली क्वेश्चन इतनी नहीं पूछता, थीटा फर्स्ट डार्क इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय a, थीटा सेकंड डार्क 2 लैम्डा बाय a, थर्ड डार्क 3 लैम्डा बाय a, ऐसे चलता है, y फर्स्ट डार्क d लैम्डा बाय a, दूसरा 2d लैम्डा बाय a वगैरह. अब मैं क्या बात कर रहा था, हां कि ये डिस्टेंस कितना है y के टर्म्स में अगर देखें तो d lambda by a, और ये भी कितना हो जाएगा d lambda. So this is the width of central prime, ये central maximum, 2d lambda by a, और angular width देखोगे तो 2 lambda by a. थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी फिर से, चलें आगे बढ़े, second dark की बात करें, y first dark कितनी दूर बन रहा है d lambda by a, ये भी बता दिया. चलो कंफ्यूज नहीं होने का, बात करो आराम से, सेकंड आके बात करते हैं, सब समझ में आएगा, सब मजे में आएगा, कोई टेंशन नहीं. चलो बाकी ओके, लेट अस सी कि ये पॉइंट पी नहीं है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, पहले डार्क आएगा फिर ब्राइट आएगा फिर दूसरा डार्क, लेट अस सी दिस इज अ पॉइंट क्यू वेयर सेकंड डार्क अकर्स, सो 2d सेकंड डार्क अकर्स एट अ प्लेस
where BP minus AP is equals to 2 lambda. What is BP minus AP? BQ. BQ minus AQ is equals to 2 lambda. And what is BQ minus AQ? A minus A is A sin theta. So it is the place where A sin theta is equals to 2 lambda. Ye yaad rakho. Second R ki condition. First R, A sin theta lambda pe. Ab baat aati hai kaise hua. Hame to aadat hai sir 2 lambda pe bright padhne ki. Yahan pe 100 point source of light. Yahan pe pehla, yahan pe 100. 2 lambda mil gaya. इसको लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 के उसमें डिवाइड करो. इसके इसके बीच में कितना है 2 लैम्डा. फर्स्ट एंड 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है ना. तो इसको लैम्डा बाय 2 में देखते हैं. तो इसके चार भाग कर लेते हैं. 1 2 3 4. यहां पे 25, यहां पे 50, यहां पे 75 और यहां पे कहीं 100 और यहां पे फर्स्ट लाइट. अगर पहले और 100 के बीच में 2 लैम्डा है तो पहले और 50 के बीच में लैम्डा होगा और पहले और 25 के बीच में लैम्डा बाय 2. तो हम बोलेंगे 25 नहीं 26. फर्स्ट एंड 26. अब इतना परफेक्ट मत रखो कि 25 होगा. करोड़ों लाइट सोर्स है यार. एग्जैक्ट काउंट पे मरो भी मत. यहां से फर्स्ट, यहां से 26, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा बाय 2 यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इस तरह से सेकंड एंड 27 लैम्डा बाय 2, थर्ड एंड 28 लैम्डा बाय 2. समझ रहे हो. फर्स्ट और 100 के बीच में 2 लैम्डा है तो फर्स्ट और 50 के बीच में लैम्डा होगा. तो फर्स्ट और 26 के बीच में लैम्डा बाय 2, 27 लैम्डा. 25 25 का डिफरेंस जब होगा तो लैम्डा बाय 2 अप्रोक्स है एकदम. सर यहां तो 99 का डिफरेंस, यहां पर एप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं कि करीब-करीब ये जो पॉइंट होंगे, ये जो 100 तो है कि नहीं करोगे, ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा यानी ये सभी दूसरे को कैंसिल करेंगे. करते 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 25 एंड 50 के बीच में भी लैम्डा बाय 2 होगा. यानी ये सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को खा जाएंगे. पहला वाला 26 वाले को खाएगा, दूसरा वाला 27 वाले को खाएगा और 25 वाला 50, 25 वाला क्रश, 50 वाला ट्रफ या वाइस वर्सा जो भी है. इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते चले तो हम देखेंगे कि 51st एंड 100, 51st एंड 100 नहीं, सॉरी 51st एंड 76, 51st एंड 76 ये डिस्टेंस भी कितना होगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2. भाई इनके बीच में लैम्डा कितना है लैम्डा, तो यहां तक इनके बीच में 2 लैम्डा, तो यहां पे लैम्डा और यहां पे लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, चार भाग में बांट दिया ना. पूरा कितना है 2 लैम्डा, तो चार भाग में लैम्डा बाय 2. तो ये और ये लैम्डा बाय 2. इस तरह से 52 एंड 77 लैम्डा बाय 2, करते 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 75 एंड 100 लैम्डा बाय 2. यानी 25 का डिफरेंस जब रख रहे हैं, जब 25 का डिफरेंस रख रहे हैं तो लैम्डा बाय 2. यानी ये सारे भी करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब कैंसिल हो गए यार. देखो इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, इसने मारा इसको, करते करते ये पूरा मर गया. फिर उसके बाद 51 ने मारा 76 को, 52 ने मारा 77 को, 53 ने मारा 78 को, करते 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 ये पूरा भी नष्ट हो गया. कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ ही नहीं बच्चे, तो परफेक्ट डार्क स्पॉट दिखेगा, बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंचेगी. सो देन वी विल से दैट a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा. बात समझ में आ रही, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 के भाग में बांट देना. पूरा कितना, किसी को तुम्हें समझाना थोड़ी है, पूरा 2 लैम्डा है तो लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 में कितना भागोगे, चार भाग में बांटोगे, पहले वाले का 26 वाले से दूसरे सबका करते करते कैंसिल. शुरुआत से 1 से लेकर 25 को कौन कैंसिल किया, 26 से लेकर 50, 1 और 26 में लैम्डा बाय 2, 2 और 27 में लैम्डा बाय 2, इस तरह से 51 वाले को 76, 52 वाले को 77, लैम्डा बाय 2 सब कैंसिल. सो दिस इज द कंडीशन फॉर सेकंड आर्क. और वी कैन से व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय a एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल व्हिच इज मोस्ट ऑफ द टाइम देन यू विल से थीटा फॉर सेकंड आर्क इज इक्वल टू. कोई आपसे कहता है वाई बताओ सेकंड आर्क का, बहुत दिक्कत नहीं है, वाई फॉर सेकंड आर्क बोलो क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा बाय a. अरे यार थीटा की जगह tan थीटा, tan थीटा, थीटा tan थीटा बराबर है, इस समय छोटे होने की वजह से tan थीटा क्या होगा, वाई
बटे डी वाई बटे डी इज इक्वल टू दिस, तो वाई इज इक्वल टू टू डी बाय फाई। क्लियर है, नोट करें। छाप लिया, मिटाए, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 मिटा दे। अब इसी तरह से जब 3 लैम्डा होगा तो तीसरा टर्म, 3 लैम्डा में 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 के 3 लैम्डा में 6 बन जाएंगे। हाँ, तो ऐसे खेल करना है। सो नाउ यू कैन से दैट when a sin theta is equals to lambda we get first arc, or when sin theta is equals to lambda by a we get first arc, or theta is equals to lambda by a is first arc की condition। y for first arc is 2d, sorry first arc is d lambda by a। similarly when a sin theta is equals to 2 lambda then we get second arc, दूसरी डार्क फ्रिंज दिखेगी, यानी sin theta is equals to 2 lambda by a, लास्ट में आपको दिखेगा theta बहुत छोटा है, theta for second arc is 2 lambda by a। ये d और d अलग है ना, ये d डिस्टेंस वाला, ये डार्क के लिए। अब y for second arc will be 2d lambda by a। करते 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 अब आपको समझ में आ गया, इस तरह से थीटा फॉर थर्ड आर्क विल बी 3 लैम्डा बाय ए, थीटा फॉर फोर्थ आर्क विल बी 4 लैम्डा बाय ए, एंड करते 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 थीटा फॉर nth आर्क बोल दो n लैम्डा बाय ए, एंड इसी तरह से y फॉर थर्ड आर्क विल बी 3d लैम्डा बाय ए, y for fourth arc will be 4d lambda by a, और इधर से करते 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 y for nth arc will be nd lambda by a। ये हुई डार्क की कहानी। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। फर्स्ट डार्क lambda by a, सेकेंड डार्क 2 lambda by a, थर्ड डार्क 3, एंगुलर पोजीशन है, इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन में इसकी बहुत बात होती है, एंगुलर पोजीशन, और ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाते हैं, सेंट्रल ब्राइट से। क्लियर है, मिटा लें इसको, नोट कर लें। अब किसी ने YDSE नहीं देखा आ गया इसके, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा YDSE। क्लियर, चलो 3 lambda, 4 lambda, ठीक है, n lambda का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। सो व्हेन a sin theta इज इक्वल्स टू n lambda देन वी गेट nth डार्क फॉर विच theta इज इक्वल्स टू n lambda by a एंड y इज इक्वल्स टू nd lambda by a, क्योंकि theta बहुत छोटा है। ब्राइट की बात करें, देखो यार वैसे तो हम ब्राइट बिना पढ़ाए बोल दें कि दो डार्क के मिड में ब्राइट होता है, बहुत आसान है। सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, बहुत आसान है। फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन बताओ लैम्डा बाय है, सेकंड डार्क की एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा बाय है, इनके मिड में होगा ब्राइट, एकदम मिड में। भाई यहां तक तो ब्राइट ही था ना, इन दोनों के मिड में यहां कहीं होगा फर्स्ट पॉइंट, 1 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय, यानी 1 और 2 के बीच में, 1.5 यानी 3/2। बोलो समझ में, ये 1 लैम्डा बाय है, ये 2 लैम्डा बाय, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.5, तो 3/2 यहां पर फर्स्ट ब्राइट बनेगा, एकदम मिडवे बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड सेकंड डार्क। ऐसे कई किताब बताया, बट हम समझाएंगे भी इसको फर्स्ट ब्राइट का। चलो बताते हैं कैसे। फर्स्ट ब्राइट occurs when, चलो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं थोड़ी देर के, कुछ चेंज कर देते हैं, लेट इट बी व्हाट पी, एक मिनट,
पी या क्यू लिख लेते हैं। हाँ तो वो पास करना पड़ेगा ना कि बाहर सब्जी वाला आलू आलू करके चिल्ला रहा था। अच्छा ही लगता सुनने में, क्या पढ़ा रहे हैं बीच में आलू। सो फर्स्ट राइट अकर्स व्हेन, इसको चलो क्या बोले, पी क्यू आर जो बोलना बोलो, लेट इट बी पॉइंट पी, अकर्स एट अ प्लेस वेयर पी बोल दे क्या, वेयर बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BP minus AP is 3 lambda by 2, यानी ये जो A sin theta है, ये 3 lambda by 2, 3 lambda by 2 पे तो दूसरा dark बनता था YDSE में, यहाँ पहला bright बना, यहाँ ये भी एक बात है, कि lambda by 2 में नहीं बना सकते, कई लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, एक मिनट, बताता हूँ, कई लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं कि YDSE, अच्छा, पहला dark बनता है lambda by 2 में, दूसरा dark बनता था वहाँ पे 3 lambda, अच्छा तो डिफ्रैक्शन में इसका उल्टा करना, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो चतुर है, मैं तो दिमाग लगा देगा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगा लैम्डा बाई टू पे, सेकंड ब्राइट कहाँ बनेगा 3 बाई टू लैम्डा बाई टू पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ पहला ही ब्राइट 3 लैम्डा बाई टू पे, क्योंकि क्योंकि लैम्डा बाई टू पे तो ब्राइट है, हाँ। टॉपिक फील तभी होगा जाओगे तो बढ़िया से आएगा, पहला डार्क कहाँ पे आ रहा है, पहला डार्क कहाँ पे आ रहा है, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, पार्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मतलब a sin थीटा की बात कर रहा हूं, जहां पे a sin थीटा कितना है लैम्डा, जहां पे a sin थीटा कितना है लैम्डा, तो यार लैम्डा बाय 2 पे तुम कैसे सोच रहे हो कि ब्राइट बना दें, अब YDSE का जस्ट उल्टा नहीं करना है, कई लोग रट के जा रहे एग्जाम में YDSE का उल्टा कर देंगे, सुनो सुनो हम बताते हैं, दोस्त जो पढ़ाते हैं हम बताते हैं, सुनो YDSE का उल्टा कर दो सबसे, ब्राइट से डार्क करने में सही था, डार्क से ब्राइट करने में नहीं सही होता, पहला डार्क लैम्डा बाय 2 में, पहला ब्राइट नहीं भाई, लैम्डा बाई टू तो बीच में कहीं यहां पड़ जाएगा जहां पे ब्राइटनेस ही चल रही है, यहां ब्राइटनेस स्टार्ट ही हो रही है 3 बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 से, एक्सप्लेनेशन ओके, कितने सोर्स हैं 100 यानी 99 कर लो, तीन भाग में काटना है ना 99, अच्छा सुनो 3 लैम्डा बाय 2, मैंने कहा था कितने भाग में काटूं लैम्डा बाय 2 के हिसाब से, 2 लैम्डा था तो 4 में काटा, 3 लैम्डा बाय 3 में काट लो, 1 2 3 यहां मान लो 33, यहां मान लो 66, यहां 99, फर्स्ट और 99 में मान लेते हैं पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, मान लिया नहीं कितना है 3 बाय 2 लैम्डा है, मान लिया हमने कि पहले और 99 में 3 बाय 2 लैम्डा है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, अगर कोई हमसे कहता है साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2, हम YDSE पढ़ के आए होते हैं, हम बोलते हैं यहां पे सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी, बट वेट अ मिनट, यहां फर्स्ट और 99 का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, यहां बहुत इंटरफेरेंस हो रहे हैं, तो फर्स्ट एंड 33 में क्या होगा लैम्डा बाई 2, अरे भाई ये पूरा 3 लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, बोलो होगा पूरा 3 लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो फर्स्ट और 33 में 3 लैम्डा बाय 2, सेकंड और 34 में 3 लैम्डा बाय 2, थर्ड और 35 में 3 लैम्डा बाय 2, आर यू गेटिंग, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, सर सब मार देंगे तब तो डार्क ही बनेगा सर, तो आप ब्राइट बताते, रुको टेंशन नहीं, रुको पहले और 99 बीच में 3 बाय 2 लेते हैं, 3 लैम्डा बाय 2 यहां होने, मैंने कहा तीन भाग में काट लो पहले तो लैम्डा बाय 2 के भाग में काट लेते हैं इसको, ठीक है बहुत बढ़िया भाग दिया, तो फर्स्ट से 33वां मर जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले और 33 बीच में लैम्डा बाय 2 ये एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे को बर्बाद कर लिए, यही तो होता ही है, और सेकंड वाले ने 34 के साथ शादी करके उसको बर्बाद कर लिया, थर्ड वाले ने 33 के साथ शादी करके उसको बर्बाद कर लिया, करते 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 33 वाले ने 66 वाले के साथ शादी करके उसको भी बर्बाद कर दिया, 33 वाले ने फर्स्ट और 34 ले लो, फर्स्ट और 34, सेकंड और 35, थर्ड और 36, 33 और 33 एंड 66, बोलो सही, पहले वाले ने 34 वाले को मारा, दूसरे वाले ने 35 वाले को मारा, तीसरे वाले ने 36 वाले को मारा, चौथे वाले ने 38 वाले को मारा, करते 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 33 वाले ने 66 वाले को मारा और ये सब मर गए, यानी इनका तो क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सर ये तो डार्क होना चाहिए, रुको ठहरो बता रहा हूं, ये तो बच गए,
इनको मारने के लिए भी कोई नहीं बचा, इनको मारने के लिए भी कोई नहीं बचा, ये सारे रह गए, इसके बाद और कोई लैम्डा बाई टू का डिफरेंस नहीं है। तो ये जितने सोर्सेज हैं ये प्रोड्यूस करेंगे ब्राइटनेस, हाँ पर ये उतनी ब्राइटनेस नहीं है जितनी सेंट्रल पे थी, क्योंकि सेंट्रल पे सारे के सारे 100 सोर्सेज पार्ट डिफरेंस जीरो देके मस्त ब्राइटनेस दे रहे थे, यहाँ उतनी ब्राइटनेस नहीं रहेगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यही तो मैं बता रहा था धीमे धीमे ब्राइटनेस कम होगी, ऊपर तो पूरा डार्क है ना इसके, यहाँ तो लाइट घुसेगी नहीं, लाइट इतने छेद में से घुसेगी, थोड़ा अगल बगल घुसेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो ब्राइटनेस थोड़ी कम तो है क्योंकि सारे सोर्स सोर्सेस वजह से नहीं, इनकी वजह से है। 66 to 99 तो चला गया, चलो 67 to 99 आर रिमेनिंग and they produce brightness. Explanation को समझ में आया? यहाँ भी मरे हैं, कट्टन कुट्टा यहाँ भी खेला गया, मैंने कहा देखो जितना भी lambda by 2 का जितना भी भाग हो सके कर लो, जब lambda था तो दो भाग किया lambda by 2, दो lambda था चार भाग किया, तीन lambda by 3 भाग कर लिया, मैंने कहा पहले ने 34 को मारा, दूसरे ने 35 को, इन सबने मार के दूसरे को बर्बाद कर लिया शादी करके, इनके पास शादी करने के लिए कोई बचा ही नहीं, खुश ब्राइट स्पॉट। सो नाउ वी कैन से द फर्स्ट ब्राइट अकर्स when a sin theta is equals to 3 lambda by 2 और theta छोटा होगा तो first bright clear लिख सकते हैं theta is equals to 3 lambda by 2 सीधा लिख सकते हैं, theta is very small, sin theta of theta बराबर, इस तरह से कोई पूछे y की value क्या होगी तो y for first bright will be इसमें d आ जाएगा 3d lambda by 2, इसमें a भी तो आएगा, a sin theta is equals to just a second sin theta will be 3 lambda by 2a and theta will be also 3 lambda by 2a giving the reason theta is very very small and theta is nearly equal to sin theta. If there is a y for first bright will be 3 lambda by 3d lambda by 2a. अब सही है, theta को tan theta के बराबर कर दो, tan theta will be इसको y बोल देंगे y बटे d, tan theta will be y बटे d, तो d उधर से आ जाएगा, lambda by 2 पे ब्राइट नहीं है ये बात याद रखना, पूरा yds का उल्टा नहीं करना है सिर्फ, अब जो लोग बढ़िया से पढ़ के आए वो समझ रहे होंगे, हां बात तो सही बताई बंदे ने, घुमा फिरा के बताई पर बात सही बताई, क्लियर है? सेकंड ब्राइट भी देखना है कैसे बनता है कि फॉर्मूला बता दे, देखना है बेटा, नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लिया, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे बात आकर जुबान तक रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो अगर तुम्हें प्यार। सेकंड ब्राइट अगर जगह प्लेस वेयर बीपी माइनस पी ले क्यू ले उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पॉइंट है वो तो, वेयर बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2 और यू कैन से a sin theta is equal to 5 lambda by 2, आप कहोगे समझाओ, हम समझाएंगे आपको बिल्कुल, कितने पार्ट में तोड़ोगे इसको, पांच पार्ट में, lambda by 2 के पांच पार्ट हो सकते हैं, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 हो गए मेरे ख्याल से, टक 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 टक, ये पहला सोर्स और यहाँ पे 100 सोर्स, तो यहाँ पे आएगा 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, बोलो सही, पांच पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 5 lambda by 2, so this will be lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, फिर से पहले और 100 के बीच में पाथ डिफरेंस देखेंगे तो 5 lambda by 2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो कह रहा है डार्क बनेगा और देखते हैं, हम बात करते हैं इसको तो काट लो, फर्स्ट एंड 21st के बारे में, फर्स्ट एंड 21st के बारे में मेरे ख्याल से पाथ डिफरेंस lambda by 2 होगा, सेकंड एंड 22 के बारे में मेरे ख्याल से पाथ डिफरेंस lambda by 2 होगा, थर्ड और 23 के बारे में मेरे ख्याल से पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, करते 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 20th एंड 40 पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, सबने एक दूसरे से शादी की, एक दूसरे को मार दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इसने इसको मारा, 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 करते 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 20 ने 40 को मार दिया, तो खत्म हो गया, ये तो सब कैंसिल हो गए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस। अच्छा आगे चलते हैं,
कहानी को आगे बढ़ाओ, 41 एंड 61 लैम्डा बाय 2, 41 एंड 61 लैम्डा बाय 2, 42 एंड 62 लैम्डा बाय 2, बोलो सही बोल रहे हैं ये डिस्टेंस कितना लैम्डा बाय 2 का, 41 61 लैम्डा, फिर ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2, तो करते 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 इसने इसको मार दिया, बोलो समझ में आया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने करते 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 60 एंड 80 इन्होंने भी क्या कर लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी मर गए, बट ये बच गए लास्ट के 20 सोर्स, पिछली बार 33 सोर्स बने, चलिए 32 बोल लो, मैं बोल रहा हूँ करोड़ों सोर्स है, भाई गिनती इसमें सही नहीं है, परसेंटेज में थोड़ा बोल सकते हैं, तो करीब करीब यहाँ पे 20% करीब करीब सोर्स बच गए, पिछली बार 33% के आसपास सोर्स बच गए, ये किसी को नहीं काट पाएंगे इनके खुद ही भाई, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाय 2 बाकी तो नहीं, सो दीज सोर्सेज ऑफ लाइट doesn't marry anyone and they are very happy and these will produce brightness 81 200 will produce brightness samjhane ka tarika hai asal mein to kitni brightness hogi iske liye alag formula hai will produce brightness bolo samajh mein aa gaya 7 lambda by 2 mein kya karoge 7 hisson mein bhag doge pehla wala dusre ko maar dega teesra wala chauthe ko maar dega panchwa wala chhathe ko maar dega saatwa hissa bach jayega 9 लैम्डा बाय 2 में 9 भाग में काट दोगे पहला दूसरे को मारेगा तीसरा चौथे को मारेगा पांचवा छठे को मारेगा सातवां आठवें को मारेगा नौवां बच जाएगा क्लियर हो रही है बात सो वी गेट दैट सेकंड ब्राइट अकर्स एट अ प्लेस व्हेन a sin theta is equals to 5 लैम्डा बाय 2 और sin theta is equals to 5 लैम्डा बाय 2a एंड इफ theta is very very small we can say theta for second bright is 5 लैम्डा बाय 2a एंड सिमिलरली वी कैन से दैट y for second bright is equals to y for second bright is equals to 5d lambda बटे a बोलो सही 5d lambda बटे a नोट कर ले ये एंगुलर पोजीशन ये एक्चुअल पोजीशन क्या nth के बारे में कमेंट कर पाओगे बाप नोट करो फिर एनएथ के बारे में कमेंट करते हैं नोट कर लिया इश्क इबादत बन गया देखो यहां पे 2n माइनस 1 नहीं वर्क करेगा दिखा रहा है क्यों नहीं वर्क करेगा ब्राइट की बात करें तो ब्राइट कहानी ये है कि जब a sin theta या तो 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर या 5 लैम्डा बाय 2 के बराबर या 7 लैम्डा बाय 2 के बराबर हो तब ब्राइटनेस मिलती है ये फर्स्ट ब्राइट ये सेकंड ब्राइट ये थर्ड ब्राइट और यू कैन से व्हेन sin theta इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2a और 5 लैम्डा बाय 2a और 7 लैम्डा बाय 2 or you can say when sin theta is very very theta is very very small to sin theta theta ke barabar 3 lambda by 2 a 5 lambda by 2 a 7 lambda by 2 dhyan dene ki baat ye hai ki ye first bright hai ye second bright hai ye third bright hai agar aap 2n minus 1 wala formula use karte ho yahan pe ki theta for nth bright ko aap likhte ho 2n minus 1 lambda by 2 a to wo galat hai n की वैल्यू 1 रखो 2 अंदर 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है ना n की वैल्यू 1 पुट करो थीटा फॉर फर्स्ट ब्राइट 2 अंदर 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है ना यहां 2n प्लस 1 चलेगा अब सही हो गया n की वैल्यू 1 रखो 2 अंदर 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2 n की वैल्यू 2 रखो 2 अंदर 4 प्लस 1 5 2n प्लस 1 चलेगा ये बात यहां पे थोड़ी डिफरेंट हुई वाईडीएसी से कि थीटा फॉर nth ब्राइट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a y फॉर nth ब्राइट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1d लैम्डा बाय a इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1d लैम्डा बाय a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 lambda by a for nth
फर्स्ट वैरायटी एन की वैल्यू 1 2 अंदर 2 प्लस 1 3 लैम्डा वाई ए साइन थीटा को जब लेके जाओगे 2n प्लस 1 लैम्डा वाई एन की वैल्यू 1 रखो 2 अंदर 2 प्लस 1 3 ए कहां से ला रहा है 2 हां कंफ्यूज हो गया ये पार्ट डिफरेंस है ना इसके बाद ए नीचे जाएगा तब आएगा लिखते लिखते जल्दबाजी में लिख रहा हूं थीटा पकड़ के बैठो थीटा इसका इंपॉर्टेंट है क्लियर है बेटा रे नोट कर लो पॉज करके तो अब ब्राइट भी समझ में आ गया डार्क भी समझ में आया कैसे बनते हैं भी समझ में आया पोजीशन भी समझ में आई एंगुलर पोजीशन भी समझ में आई और एनएच के लिए भी लिखना आ गया बहुत बढ़िया चलो एक बार साइड में लिख के स्क्रीन पे डायग्राम बनाते हैं आप मजा आएगा एक बार साइड में सब लिख लो पहले डार्क की बात करें तो थीटा फॉर nth डार्क a sin थीटा से बात करें चलो a sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है n की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 रखो 1 पे फर्स्ट डार्क सेकंड पे सेकंड डार्क या sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a या थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a गिविंग रीजन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल या y इज इक्वल्स टू n d लैम्डा बाय ब्राइट की बात अभी-अभी की हम लोग ने ब्राइट की कहानी क्या है a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 या sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a थीटा को भी हम कह देंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a और y को हम कह देंगे 2n प्लस 1 d लैम्डा बाय 2a क्या दिखाई पड़ रहा है लास्ट तक क्या लास्ट तक दिखाई पड़ रहा है ये हुई समरी जितना अभी तक पढ़ा उसकी अब जरा स्क्रीन पे इसको ड्रॉ करते हैं और फ्रिंज विड्थ निकालते हैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई है थोड़ा बना के देखते हैं थोड़ा फील आ जाएगा फ्रिंज विड्थ निकालते हैं मैंने कहा था इस लेक्चर में पूरा क्लियर होगा टेंशन नक्को आओ ये रहा सेंट्रल राइट और एंगुलर पोजीशन की बात करने जा रहा हूं एंगुलर पोजीशन की मैं बात करूंगा ठीक है फिर से बोल दे रहा कि मैं यहां पे y की नहीं थीटा की बात करूंगा ठीक है y की नहीं मैं थीटा की बात कर रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट डार्क का कर्व हुआ एंगुलर पोजीशन कितनी है फर्स्ट डार्क की लैम्डा बाय a सेकंड डार्क का कर्व हुआ एंगुलर पोजीशन क्या है 2 लैम्डा बाय a थर्ड डार्क का कर्व हुआ एंगुलर पोजीशन क्या है 3 लैम्डा बाय a बोलो सही है We are talking about angular position theta. Same कहानी इस तरफ भी कर सकते हो. First dark lambda by a, second dark 2 lambda by a and followed by third dark 3 lambda by a. Bright की बात करें तो यहाँ कोई bright नहीं आ रहा. ये पूरा central bright का region है. Light enters the shadow region. तो ये shadow region में light घुस गई. फर्स्ट ब्राइट यहां पे कर दूंगा व्हिच विल बी 3 लैम्डा बाय 2 a 3 लैम्डा बाय 2 a बोलो क्लियर 3 टाइम लैम्डा बाय इन दोनों के बीच में था 1.5 लैम्डा बाय a सेकंड ब्राइट यहां मिलेगा आपको 5 लैम्डा बाय 2 a इस तरह से फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क के बाद आएगा फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क के बाद आएगा 3 lambda by 2a second bright यहाँ पे 5 lambda by 2a इसके बाद इसके ऊपर third bright आ जाएगा बच्चों 7 lambda by 2a यहाँ third bright आ जाएगा 7 lambda by 2a 2 3 is a 6 plus 1 2 3 is a 6 plus 1 7 ये कहानी है अब हम बात करें fringe width की angular fringe width की यहाँ angular कहानी ज़्यादा important होती है angular fringe width की एंगुलर फ्रिंज तो पहले बात करते हैं सेंट्रल की क्योंकि ये सबसे अलग है सेंट्रल की एकदम अलग है इधर कितना थीटा है लैम्डा बाय a इधर भी कितना थीटा है लैम्डा बाय a यानी सेंट्रल एंगुलर
फ्रिंज विड्थ इज 2 थीटा, ये तो हमने फ्रिंज विड्थ लैम्डा वाई ऊपर लैम्डा वाई नीचे व्हिच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा वाई ए व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ बाकियों से अलग आती है 2 लैम्डा ए, बाकी धीमे-धीमे फ्रिंज विड्थ कम होती है बट उसका डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बस ये पता है सेंट्रल सबसे बड़ी होती है लैम्डा वाई ऊपर लैम्डा वाई ए नीचे, लाइट एंटर्स द शैडो रीजन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बढ़ जाती है। अब बात कर ले मान लो ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट की बात करें एंगल ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट, ठीक है यहां फ्रिंज विड्थ को हम किससे डिनोट करें, डब्ल्यू से डिनोट कर ले बीटा से या डब्ल्यू से कर लेते हैं, सो डब्ल्यू थीटा फॉर ब्राइट एंगल ऑफ फ्रिंज कैसे निकालोगे, थीटा सेकंड डार्क माइनस थीटा फर्स्ट डार्क, ये तरीका होता है फ्रिंज विड्थ निकालने का, कंसेक्यूटिव डार्क को माइनस कर दो, भाई ब्राइट की फ्रिंज विड्थ कितनी है सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क को डिफरेंस देख लो उतना बड़ा ब्राइट होगा, भाई ब्राइट उतना ही तो होगा ना जहां पे सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच का जितना रीजन है, तो थीटा सेकेंड डार्क इज 2 लैम्डा बाय ए, फर्स्ट डार्क इज लैम्डा बाय ए, सो यू गेट लैम्डा बाय ए, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय ए फॉर ब्राइट एज वेल एज फॉर डार्क, डार्क का भी सेम आएगा w थीटा यानी एंगुलर फॉर डार्क, w है फ्रिंज विड्थ, थीटा मतलब एंगुलर, b मतलब ब्राइट, W मतलब fringe width, theta मतलब angular, D मतलब dark, is equal to theta second bright minus theta first bright, ऐसी तो निकलेगा, fringe width क्या होती है भाई, हमें चाहिए dark fringe की width, तो second bright में से first bright minus कर दो, इसकी width में जाएगी, second bright में से first bright minus कर दो, ये dark की fringe width मिल गई, तो second bright अकर हो रहा है 5 lambda by 2a और first अकर हो रहा है 3 lambda, मान लो इसकी हम डार्क की फ्रिंज विड्थ थी तो इसमें से ये माइनस कर दो 5 लैम्डा बाय 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, नीचे एलसीएम भी 2, 2 2 कैंसिल, सो ऑल द एंगुलर फ्रिंज विड्थ्स आर इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ऑल द एंगुलर फ्रिंज विड्थ्स आर इक्वल टू लैम्डा बाय ए एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज विड्थ व्हिच इज 2 लैम्डा बाय ए, ये भी एक डिफरेंस है इसका वाईडीएसी से, वहां पे सारी फ्रिंज विड्थ बराबर थी, यहाँ ऐसे तो रिड्यूस होती है जो प्रैक्टिकल में, बट हमारे सिलेबस में नहीं बता रहा, उसका कैलकुलेशन नहीं दे रहा, पर हमें ये जरूर पता है कि जो सेंट्रल है वो बहुत बड़ी है 2 लैम्डा बाय थीटा, बाकी सब क्लियर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ छोटे 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 लैम्डा बाय लैम्डा बाय, कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के विड्थ का जो डिस्टेंस है वो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ये एंगुलर है, अब आपको एंगुलर नहीं एक्चुअल चाहिए तो सबको डी से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल में चाहिए तो ये हो जाएगी आपकी 2d लैम्डा बाय a, ये हो जाएगा d लैम्डा बाय a और ये हो जाएगा d लैम्डा बाय a, पर ये इतने पॉपुलर नहीं है, ये एक्चुअल मतलब y की वैल्यू मतलब एक्चुअल फ्रिंज, हम तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बता रहे हैं, यहां एंगुलर पोजीशंस और एंगुलर सारी कहानी ज्यादा देख लें इसको। अब हम जा रहे हैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाने, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ, क्योंकि हमने बताया कि जो पहली ब्राइट थी सेंट्रल ब्राइट वो तो सारे सोर्स बना रहे थे, जो फर्स्ट ब्राइट थी वो सिर्फ 33 सोर्स बना रहे थे 33, जो सेकंड ब्राइट थी 5 लैम्डा बाय 2 उसे सिर्फ 20 सोर्स बना रहे हैं, जो थर्ड ब्राइट होगी 7 लैम्डा बाय 2 तो 100 को 7 हिस्से में काटो तो उतने से बना रहे हैं, तो धीमे धीमे इंटेंसिटी कम हो गई, इसको नोट करें फिर उसको देखते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लें फिर हम इंटेंसिटी वर्सेस थीटा ग्राफ बनाते हैं, नोट कर लिया, चलिए इसको मिटाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ, I versus theta, theta भी हो सकता है और sin theta भी हो सकता है क्योंकि theta और sin theta की वैल्यू करीब करीब सेम है, तो किसी किसी किताब में I versus theta बना होगा, किसी में I versus sin theta बना होगा, एक जैसा ग्राफ है टेंशन ना लो, किसी किसी में a sin theta से भी ग्राफ बना देता है कोई टेंशन नहीं, एक जैसे ग्राफ है सारे, आओ देखो ये अपनी x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटेंसिटी ले ली, x-axis पे थीटा ले लिया,
यहाँ मान लो कि थीटा की वैल्यू जीरो, यहाँ मान लो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई ए, जहाँ पे बनेगा पहला डार्क, यहाँ थीटा की वैल्यू मान लो टू लैम्डा बाई ए, जहाँ बनेगा दूसरा डार्क, और यहाँ थीटा की वैल्यू मान लो थ्री लैम्डा बाई ए, जहाँ बनेगा तीसरा डार्क। ठीक है, सेम प्रकार से इस तरफ, यहाँ लैम्डा बाई ए, यहाँ टू लैम्डा बाई ए, और यहाँ थ्री लैम्डा बाई ए, थीटा की वैल्यू डार्क के लिए होंगे। अच्छा, आप स्केल वगैरह से बढ़िया से बना लें बराबर प्रॉपर डिस्टेंस पे। चलो, ये हुए डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। जब ब्राइट की बात करें तो पहला ब्राइट मेरे ख्याल से बनेगा इनके बीच में इस जगह पे, थ्री बाई टू लैम्डा बाई ए फर्स्ट ब्राइट, दूसरा यहाँ बनेगा 5 बाई टू लैम्डा बाई ए सेकेंड ब्राइट। इस तरह से पहला ब्राइट यहाँ बनेगा 3 बाई टू लैम्डा बाई ए फर्स्ट ब्राइट, और दूसरा यहाँ बनेगा 5 बाई टू लैम्डा बाई ए सेकेंड ब्राइट। एकदम बीच में बनता है, ढाई, दो और तीन के बीच में ढाई, पांच ब्राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी सेंट्रल ब्राइट पे, ये मान लो इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, इसको आई नॉट बोला जाता है। इसके बाद डार्क पे इंटेंसिटी जीरो, डार्क पे इंटेंसिटी जीरो हो गई। इसके बाद फर्स्ट ब्राइट पे इंटेंसिटी इतनी नहीं हो सकती क्योंकि सेंट्रल पे तो सारे 100 के 100 सोर्स मिल रहे थे, पर पहले ब्राइट में अगर आपको याद हो, पहले ब्राइट के लिए 3 लैम्डा बाई 2 की कहानी चल रही है, 3 लैम्डा बाई 2 की कहानी चल रही, तो मैंने इसको तीन पार्ट में काटा था, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने, और ये सारे मर गए थे, सिर्फ इसकी वजह से ब्राइटनेस बनी थी, याद है कि तीन पार्ट में काटा था, ये इसको मारा, ये पूरा खत्म हो गया था, एक ने 34 को मारा, दूसरे ने 35 को, तीसरे ने 36 को, 33 ने 66 को, सिर्फ ये बचे थे, यानी जो ब्राइटनेस है वो इतनी नहीं होगी। सेंट्रल ब्राइट की बात करें तो सेंट्रल ब्राइट तो सब मिलके बनाते थे ना, ये 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 सब के लिए डेल्टा एक्स जीरो था, तो वो तो सारे सोर्स ने बनाया था, पर फर्स्ट ब्राइट सारे सोर्स नहीं बना रहे, कुछ 33 सोर्स बना रहे 33, तो इस इंटेंसिटी सेकंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट की सेंट्रल से थोड़ी कम। फिर तो डार्क आ गया, डार्क में कोई टेंशन नहीं, इंटेंसिटी जीरो कर दो, डार्क में कोई टेंशन नहीं, इंटेंसिटी जीरो। सेकंड ब्राइट की अगर याद करो, 5 लैम्डा बाई 2, तो हमने स्लिट को 5 हिस्सों में काट दिया था, 1 से 1, 20, 40, 60, 80, 100, याद है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, ये पूरा मर गया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, ये पूरा मर गया, सिर्फ ये बचे थे 20 सोर्सेस, और कम हो गए 33 से 20, तो इंटेंसिटी इसकी और कम हो गई। उसके बाद डार्क आ गया जीरो। अब आप ग्राफ बना सकते हैं, तो इस ग्राफ से एक बात समझ में आती है कि ब्राइट स्पॉट पे इंटेंसिटी ज्यादा है और डार्क पे जीरो है। दूसरी बात कि हर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी बराबर नहीं है, सेंट्रल ब्राइट की सबसे ज्यादा, उसके बाद इंटेंसिटी गिरती जा रही है। नोट करें, बहुत खूबसूरत ग्राफ, बहुत ही खूबसूरत ग्राफ, वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आई वर्सेस थीटा, किस जगह पे इंटेंसिटी कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे आपसे इंटेंसिटी पूछ ले, तो उसके लिए बहुत लंबा डेरिवेशन है जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जो हम कर नहीं सकते। तो इंटेंसिटी एट एनी प्लेस जिसके लिए एंगुलर पोजीशन थीटा हो, जिस प्लेस की जो एंगुलर लोकेशन है थीटा हो, एट एनी प्लेस हूज एंगुलर लोकेशन इज थीटा, उस जगह पे बच्चों इंटेंसिटी होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बी, जहां पे एंगल थीटा है वहां पे इंटेंसिटी, अब यहां पे बीटा क्या है वो भी बता दे रहे, दिस बीटा स्टैंड्स फॉर थीटा, सॉरी स्टैंड्स फॉर पाई ए साइन थीटा बटे लैम्डा,
इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट फॉर्मूला जान लो आप कम से कम. वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो किसी भी जगह पे आपको इंटेंसिटी जाननी हो लाइट की, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे किसी भी जगह पे, तो ये फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, वेयर बीटा इज पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा. यानी इंटेंसिटी आएगी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन sin beta, beta is pi a sin theta, sin pi a sin theta by lambda upon pi a sin theta by lambda square. Intensity at location theta. वैसे ये पूछा नहीं जाता, ये graph बहुत important है, intensity गिरती जा रही है, दिख रहा है. Consecutive bright fringes की intensity कम हो रही है. Clear है ये चीज? तो यहां तक आपको हमने पूरा diffraction समझा दिया. अब आपका काम आया कि डिफरेंस बताइए YDSC में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में. वैसे तो बहुत ही ज्यादा यहां पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको, बट कैलकुलेशन वाले डिफरेंस नहीं, जो दिख रहे हैं उन डिफरेंसेस की बात करते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन YDSE इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं. अरे सर इतनी देर में आप बहुत नहीं बता पाए. ये तो आपने एक पर्टिकुलर तरह का डिफ्रैक्शन पढ़ा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने सिर्फ अभी, उसी से डिफरेंस हम बता पाएंगे. हमारे सिलेबस में यही है इन डिटेल. आओ देखते हैं. तो यहां ले लेते हैं हम लोग YDSE इंटरफेरेंस और इस तरफ ले लो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. कई किताब में इतनी गलत तरह से इसको देता है, कई किताब में लिख देता है एक तरफ इंटरफेरेंस और एक तरफ लिख देता है डिफ्रैक्शन, दोनों का फिर डिफरेंस समझा देता है. ना एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कर तुम भी यही देना, इधर इंटरफेरेंस इधर डिफ्रैक्शन. बट एक्चुअल में यार डिफ्रैक्शन इज इटसेल्फ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसको फिजिक्स आती हो समझ रहा है कि डिफ्रैक्शन में भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है. खूब ढेर सारे सोर्सेस हैं आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, पहला वाला 26 के साथ दूसरे, तो इंटरफेरेंस ही तो है. किताब में क्या करता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस दे देता है, ये लो बच्चे भी कुछ रटे जा रहे हैं. एक्चुअल चीज तो दोनों ही इंटरफेरेंस है, बस डिफरेंस क्या है वही तो बता रहे हैं. पहला डिफरेंस इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन two different sources. यहां पे दो slits होती थी S1 and S2 नाम की, उनके बीच में interference होता था. यहां क्या है, यहां क्या है? Interference of waves occurs. Interference occurs between interference occurs between waves coming from different points of the same source. हमने क्या किया है इसमें कि एक ही सोर्स है उसके अंदर हमने मल्टीपल सोर्स इमेजिन कर लिए है, तो एक ही सोर्स स्लिट तो एक ही है ना, बट इसके अंदर हमने मल्टीपल सोर्स इमेजिन कर लिए और उन्हीं वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस हमने देखा है कि लैम्डा बाई टू या लैम्डा जो भी. और यहां क्या था इंटरफेरेंस दो स्लिट्स में था, यानी दो अलग अलग सोर्सेस का था. क्लियर हुई कहानी? पहला डिफरेंस तो यही है कि यहां पे दो स्लिट है, यहां पे सिंगल स्लिट है. पहली बात तो यही थी, यहां दो अलग अलग सोर्सेस का इंटरफेरेंस है S1 S2, यहां एक ही सोर्स में हमने मल्टीपल सोर्सेस बनाए और उसका इंटरफेरेंस देखा. इंटरफेरेंस अगर बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम सोर्स. दूसरी बात फ्रिंज विड्थ की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में लिखना वही बता रहे हैं यहां पे. फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल, ऐसा हमेशा होता नहीं 100%, बट यहां डिफरेंस में क्योंकि 90% जो बातें सही है वही हम लिखेंगे ना, रेयर केसेस की बातें नहीं करेंगे. फ्रिंज विड्थ ऑफ
सेंट्रल मैक्सिमा इज क्या थी बताओ, इज मोर देन अदर फ्रिंज विड्थ. अगर आपको याद हो सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ थीटा फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 लैम्डा बाय ए एंड थीटा, थीटा नहीं क्या बोलते फ्रिंज को, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 लैम्डा बाय ए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, W थीटा फॉर सेंट्रल ब्राइट क्या आ रहा था, 2 लैम्डा बाय ए. और बाकी किसी की भी फ्रिंज विड्थ देखी हमने, मैंने W फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी ब्राइट या एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी डार्क दैट वाज लैम्डा बाय ए. तो डेफिनेटली यहां फ्रिंज विड्थ बराबर नहीं है. तीसरी बात इंटेंसिटी of all bright fringes are same. और यहां तो ऐसा नहीं, intensity घटती जा रही है. Intensity of all bright fringes are different. Central bright fringe की सबसे ज्यादा, first bright की उससे कम, सेकेंड ब्राइट की उससे कम, उसके बाद उससे कम है. बाकी कहने को तो यार बहुत डिफरेंस आप बोल सकते हो. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव, ऐसा गलत है. मुझे पता है बच्चे यही सब दिमाग लगाते हैं, कहेंगे सर यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तो कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे जब लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव, एक डिफरेंस ही डिफरेंस नहीं, गलत बात है. जो तुम सोच रहे हो पार्ट डिफरेंस लैम्डा, वो लैम्डा है ही नहीं असल में, तो लैम्डा बाय 2. जब तुम कह रहे हो कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो तुम कह रहे हो ए साइन थीटा लैम्डा है, बट असल में तो यहाँ पे अगर हमने 100 सोर्स सोचे तो पहले वो 51 के बीच में डिफरेंस तो लैम्डा बाय 2 ही है. तो इसके बारे में बात इसीलिए नहीं की जाती. कई लोग सोचते हैं, कोचिंग बच्चे पूछते सर ये वाला क्यों नहीं लिखा पॉइंट, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं. सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा पे यहाँ पे ब्राइट बनता है और a sin theta is equals to n lambda पे यहाँ पे dark बनता है. तो ये mathematical चीजें दिखाई नहीं पड़ती नहीं लिखते, और ये गलत भी है इस तरह की बात है. तो overall ये differences आप लिख के आओगे paper में, in short इस पे number मिलेंगे. तो बहुत बढ़िया, ये lecture diffraction का completely यहाँ पे होता है समाप्त. पढ़ाई करते रहें, all the very best.